अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से हैं। और आज हम जा रहे हैं फ्रैंकफर्ट, जर्मनी की सबसे बड़ी जो क्रिसमस मार्केट है, आज हम वहाँ का टूर करेंगे। और हमारे लिए भी नई जगह है, देख पहली बार हम देखेंगे कि क्रिसमस मार्केट कैसी होती है और क्या होता है वहाँ पर। तो उसके अलावा जो है ना, बहुत सी इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूँगी। और आगे हम अपने ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। और उससे पहले, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी हम जो है ना, यहाँ से स्ट्रीट वॉक करेंगे। और वॉक के साथ साथ जो है ना, बहुत सी नई चीज़ें भी हमें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। और ये जो है ना, सेंट्रल सिटी के बिल्कुल मिड में ये मार्केट है और काफ़ी जो है ना, ये वॉक करनी पड़ती है। तो हमें सोचा कि चलें, वेदर भी अच्छा है, वॉक भी हो जाएगी और साथ में जो है ना, यहाँ पर शॉपिंग मॉल भी हैं और ब्रांडेड जो है ना, जितनी भी शॉप्स हैं वो भी यहाँ पे मिलेंगे। तो ये हम क्रिसमस मार्केट की बाहर के साइड हैं, बस यहाँ से हम आप करेंगे इंट्री। और कोई भी यहाँ पे, हमें ये था शायद ये इंट्री यहाँ पे हमें करवानी पड़ेगी, तो बिल्कुल भी यहाँ पे इंट्री की ज़रूरत नहीं है, फ्री है, आप जा सकते हैं। तो अभी हम इंटर हो गए क्रिसमस मार्केट में। क्रिसमस मार्केट हम पहुंच जाए हैं। चलिए, इससे कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करती हूं कि जर्मनी में क्रिसमस मार्केट का आगाज़ जो है ना, 1384 में हुआ था। तो क्रिश्चियन के जो है ना, दो ही फेस्टिवल होते हैं जो बहुत ज़ोरों शोर से वो मनाते हैं, जैसे हम अपने इस्लामिक फेस्टिवल त्यौहार वगैरह बहुत जोश व खरोश से मनाते हैं। तो इस तरह ये भी जो है ना, बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। तो एक तो ये इनका क्रिसमस हो गया, दूसरा हो गया ईस्टर। और इसी के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये आपको लगेगी कि इस मार्केट का लिंक जो है ना, क्रिसमस से बिल्कुल भी नहीं है। पहले टाइम में जर्मन में जो है ना, जब क्रिसमस और ईस्टर का टाइम आता था ना, तो यहाँ पे मीट की मार्केट लगती थी। तो यहाँ के लोग जो है ना, यहाँ से आके मीट खरीदते थे और जो है ना, अपने फेस्टिवल के लिए ना, मीट वगैरह पहले ही स्टोर करके रख लेते थे। और काफ़ी खूबसूरत ये मार्केट है, और हमने फ़र्स्ट टाइम लाइफ में ऐसी जो है ना, मार्केट देखी है। क्योंकि हमें नहीं था आइडिया कि कैसी मार्केट होती है। इन्होंने ना, इनके जो फेवरेट फूड हैं और हर तरह की चीज़ें इन्होंने यहाँ पे रखी हुई हैं, जो पूरा जो है ना, एक इनके फेस्टिवल को प्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चों के लिए ना, यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं, एक्टिविटीज़ और डिफरेंट राइड हैं। और मोहम्मद को जो है ना, ऐसे ट्रैक पे चलती हुई ये ट्रेन और गाड़ियाँ वगैरह तो बहुत इनको अच्छी लगती हैं। तो हमने मोहम्मद से कहा कि अब आपने यहाँ पे बैठना है, तो फिर वो एग्री हो गए। पहले तो वो नहीं थे मान रहे, जब देखा कि यहाँ पर और बच्चे भी हैं, तो फिर उन्होंने कहा जी मैंने बैठना है। तो यहाँ से जी हमने ले लिया है टिकट और मोहम्मद बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी में और ऐसे कह रहे हैं कि बस जी इन्होंने ही ड्राइव करनी है आज।
तो ये जो है इनका एक इन्होंने ऑटोमेटिक ही सारा सिस्टम वो रखा होता है कि खुद ही से वो सारा हो जाता है। तो अभी ये जस्ट बैठे हैं तो ये पूरा जो है ना ये राउंड लेगी, इसके अंदर इन्होंने डिफरेंट जो है ना हाउसेस बनाई हुई हैं, हट बनाई हुई हैं, तो जहाँ से ये जो है ना ये पूरी राइड चलेगी। और जी मोहम्मद ने ले ली राइड, हमने इनसे कहा कि आपने और लेनी है, तो उन्होंने कहा बस मुझे और राइड नहीं लेनी। तो उनका ये था कि चलें आप कहीं और हम विज़िट करते हैं, इस तरह की और चीज़ें भी होंगी। अभी हम जो है पूरी मार्केट को हम घूम फिर के देखेंगे यहाँ पे क्या है। और जैसे कि मैं इस क्रिसमस मार्केट के बारे में आपको बता रही थी, यहाँ पे ये है कि जब पहले के टाइम यहाँ पे मीट मार्केट थी, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया सब कुछ चेंज होता गया, तो यहाँ पे ना ज्वेलरी और कपड़े और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे लोगों ने स्टॉल लगाना स्टार्ट कर दिए थे। तो जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ऐसे इवेंट लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है ना तो कि यहाँ पे शॉपिंग का स्कोप भी बढ़ता जा रहा है, तो फिर इस मार्केट को नाम क्रिसमस मार्केट का दे दिया गया। लेकिन अब यहाँ पे जो है ना पूरा साल जो है इस मार्केट में ऐसे ही स्टॉल लगे रहते हैं, फूड स्टॉल हो गए, हर तरह का फास्ट फूड हो गया, इनके जो ट्रेडिशनल स्वीट्स हैं फूड वगैरह वो हैं इस मार्केट में, ज्वेलरी डेकोरेशन गिफ्ट्स वगैरह हर तरह की जो है ना डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने जो है ना वो स्टॉल लगाए हुए हैं यहाँ पर। सेम ऐसे ही जैसे हम पाकिस्तान में मीना बाज़ार होता है तो उसमें फूड स्टॉल भी होते हैं, ज्वेलरी होती है, डेकोरेशन पीसेज होते हैं, और हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं उस तरह की जो है ना वो सारा जो हमारा कल्चर है उस हिसाब से चीज़ें होती हैं। ऐसे इन्होंने भी इस मार्केट को जो है ना एक क्रिसमस लुक दी हुई है और अपने जो है ना फेस्टिवल को प्रेजेंट करने के लिए इन्हें ऐसे स्टॉल लगाए हुए हैं, और उस स्टॉल के अंदर काफ़ी हद तक जो है ना फूड्स वगैरह और गिफ्ट्स ड्रेसेस वगैरह ज्वेलरी काफ़ी बड़ी ये मार्केट है, और खाने पीने की काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन दिल मानने की बात है, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कर रहा कि मैं इस मार्केट से ट्राई करूँ, क्योंकि हम कहीं भी किसी भी नई जगह पे हम विज़िट करते हैं वहाँ पे हम फूड ज़रूर ट्राई करते हैं। तो ऐसे ये नहीं कि यहाँ पे खाने वाली चीज़ें नहीं थी, चॉकलेट्स थी, कुकीज़ थी, हर तरह का जो है यहाँ पे आपको बारबेक्यू हो गए, साथ में फ्राइज वगैरह ऐसी चीज़ें थी, लेकिन मेरा दिल नहीं था मान रहा कि मैं इस मार्केट से कुछ ट्राई करूं। वैसे तो यहाँ पे जो है फ्रेंच फ्राइज बहुत शौक से खाए जाते हैं, और साथ में कॉफ़ी होगी, डोनट वगैरह हो गए, बेकरी की जो चीज़ें होती हैं पिज़्ज़ा वगैरह ऐसे भी थी, और वेजिटेरियन डिशेस भी थी, और मीट वगैरह भी था जो कि मेंशन था कि हलाल है, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं था मान रहा। तो ये बहुत खूबसूरत मार्केट थी, और ये जो ऐसे इनके लैम्प और ये डेकोरेशन के लिए बहुत ही यूनिक सी चीज़ें थी,
और उसके अलावा जो है इनकी जो ट्रेडिशनल जो कंट्री का जो है उस हिसाब से इनके जो है ना डिफरेंट लोग अपनी मेमोरीज़ को, जैसे हम कहीं भी किसी कंट्री में विज़िट करते हैं, किसी जगह पे विज़िट करते हैं, कुछ लोगों की हॉबी होती है कि वो ऐसी चीज़ें कलेक्ट करते हैं कि जहाँ पे भी वो जाते हैं वहाँ की कोई ना कोई फेमस चीज़ वो जो है ना वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें इस मार्केट में बहुत ज़्यादा थी। और जैसे कि कोविड में जो है ना जो 2 साल गुजरे हैं ये कोविड के, तो ये मार्केट बिल्कुल बंद हो गई थी और लास्ट ईयर ही इस मार्केट को दोबारा से रीओपन किया गया। उसके बाद जो है ना लोग काफ़ी इस मार्केट को पसंद करते हैं और वैसे भी जो टूरिस्ट आते हैं इस मार्केट का ज़रूर विज़िट करते हैं। और इनकी जो है सबसे ज़बरदस्त फूड है जो कि इनकी जान है, तो इनके कोई भी फेस्टिवल होते हैं उसमें ये चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा इनका होता है। कोई भी इनका इवेंट होता है तो ये गिफ्ट में भी चॉकलेट्स बहुत देते हैं। तो ये अरब में भी काफ़ी ये है कि गिफ्ट्स वगैरह लेके जाते हैं तो उसमें उनकी ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, जैसे खजूर के ऊपर कोटिंग होती है चॉकलेट की, सेम ऐसे ही जो है ना इनकी जो है ना जो आलमंड होते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं, उन पर डिफरेंट चॉकलेट की कोटिंग होती है। इस चीज़ के जो है ना बगैर इनकी हर चीज़ जो है ना वो अधूरी होती है। तो ये हर जगह पे आपको ये नज़र आएगा और ये बहुत शौक से खाते हैं। और क्रिसमस मार्केट से हम बाहर निकल आए हैं और इसी साइड पे सारे जो है ना यहाँ पे शॉपिंग मॉल भी हैं। और यहाँ पे यह है कि आपको ऐसे मॉल कम ही मिलेंगे, छोटी छोटी जो है ना शॉप्स होती हैं ब्रांड्स की, वो भी छोटी ही शॉप होती हैं, मॉल बहुत कम है यहाँ पे। तो अभी जो है ना बिल्कुल यहाँ पे सेंट्रल एरिया में जो है ना काफ़ी बड़ा मॉल है, तो अभी हम यहाँ पर विज़िट करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे व्लॉग्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसी व्लॉग के साथ हमें दें इजाज़त, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।